Hey guys, this is Misha Trivedi और जैसा कि आप में से काफी लोग जानते होंगे, अभी-अभी मैंने अपने मेन चैनल पे 5 न्यू चेंजेस अप्लाई करे हैं एंड आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज देखने में मुझे भी बहुत इजी लगा बट ट्रस्ट मी बहुत दिक्कतें आई हैं। बाय द वे दोपहर के 2 बजे हैं, सो आंटियां बकबक कर रही हैं दोपहर में धूप सेकते सेकते, बच्चे स्कूल से आके खेल रहे हैं, उनके स्कूल के वैंस की आवाजें आ रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं और कूड़े वाली गाड़ी इस टाइम पे आई हुई है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, उन 5 चेंजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये बैकग्राउंड जो ऐसे खुलता है एंड उस दीवार पे नीचे मैग्नेट से ऐसे लग जाता है। सो दिस इज द न्यू बैकग्राउंड जिसे ढूंढने के लिए इतने चक्कर लगाने पड़े ना मुझे चांदनी चौक और रानी बाग के दैट आई कांट टेल यू। सो इसी के साथ साथ आई हैव दीज न्यू लाइट्स का सेटअप जो कि ऐसे यहाँ पे रख के आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट। सो जो लोग चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि पहले इसी के पीछे एक व्हाइट वॉल थी, मैं उस पर वीडियो बनाता था, देन आई गॉट दिस सेटअप, उसके साथ एक लाइट थी, फिर 250K पे 2 लाइट्स हुई और अब 500K पे 4 लाइट्स हो गई है। सो आई विल शो यू, आई विल स्विच दिस ऑन। सो रफली मेरा कैमरा यहाँ पे होता है एंड देन आई स्विच ऑन द लाइट्स। ये बैकग्राउंड मैंने जब लिया था मुझे ठीक अच्छा लग रहा था बट लाइट्स लगाने के बाद आई जस्ट लव दिस। और सबसे सही बात पता है क्या, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस सेटअप क्योंकि ये मैंने खुद DIY किया है। तो ये चारों लाइट्स इस सेटअप में मैंने खुद लगाई हैं, ये दो दो के पेयर में थी। ओके अब बंद कर देते हैं क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है। तो एक्चुअली ना मैंने सोचा हाँ तो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं चांदनी चौक और हर जगह जहाँ जहाँ जाऊँगा ना वहाँ व्लॉग करूँगा, बट ब्रो चांदनी चौक में अगर कैमरा निकाला ना, पहली बात तो इतनी सी गली, ऊपर से इतना सा मैं, ऊपर से कैमरा निकालो ना तो उनके प्राइसेस डबल हो जाते हैं। तभी आई थॉट कि कितना अच्छा होता ना कि मैं फ़ोन से व्लॉग कर सकता होता एंड देन आई गॉट दिस DJI Osmo Mobile 3 विच इज़ अ गिम्बल फॉर मोबाइल व्लॉगिंग जो कि आई स्वेयर अब मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। And when I mean बहुत, I genuinely mean बहुत, yes, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है और नीचे से बाइक जा रही है और ये किसका कुत्ता भौंक रहा है यार। Just wanted to make you all hear कि सच में कितना शोर है बाहर। खैर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज की जो था द जॉइंट बटन, जिसका मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई आइडिया नहीं था कि कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है। आई एम वेरी थैंकफुल कि अच्छा ही आया है। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन गो अहेड एंड जॉइन दैट चैनल, वहाँ पे सारे रीजंस मैंने बता दिए हैं बट यहाँ पे आई एम गोना शो यू द इमोजीज एंड द बैजेस कि मैंने कैसे बनाए। तो जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनके नाम के आगे ऐसे बैजेस आएंगे जो विद टाइम इंक्रीज होते जाएंगे एंड देन वी हैव दीज इमोजीज जो कि है आपकी फेवरेट टिंग वाली स्माइल, देन मौत सी आ रही है, डिनचैक चूजा जो कि आजकल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड दिस इज दीपक कलाल का। एंड आई नो बहुत लोग मुझे इस चीज के लिए जज करने वाले हैं कि पावर पॉइंट कौन यूज करता है इन सब के लिए, बट यार मेरा ना बचपन से हाथ इस पे सेट है। इनफैक्ट आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड क्या था हाँ आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट फॉर पावर पॉइंट। सिमिलरली पावर पॉइंट में मैंने ये वाली शीट्स बनाई है जिसपे मैं अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर करता हूँ एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई DP क्योंकि आई स्वेयर गाइज मेरे से ना फोटोज नहीं खिंचाई जाती। तो एक पिक्चर, एक प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए दीज आर हाउ मेनी शॉर्ट्स आई हैड। तो ये वाली पिक्चर फाइनलाइज करने के बाद दिस इज द डिजाइन दैट आई केम अप विद। मैंने बहुत सिंपल सा रखा है बिकॉज आई थिंक DP सिंपल ही होनी चाहिए और हाँ ये मैंने फोटोशॉप में एडिट करा है। अब यार ये सारे चेंजेस काफी टाइम तक मेरे चैनल पे रहने वाले हैं पर एक जो चीज है जो सबसे मुश्किल थी वो था भाई एडिटिंग सीखना। आई मीन जस्ट लुक एट माई टाइम लाइन ब्रो, आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मुझे फाइनल कट प्रो में एडिट करना आ गया है। और अब बंद करते हैं इसे और बात करते हैं 20 कोलैप्स ऑफ 2020 की। सो ओवर द टाइम मेरे काफी सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स बने एंड आई एम रियली 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 एक्साइटेड कि मैं उन लोगों के साथ वीडियोस कर सकूं। सो आउट ऑफ 20 ऑलमोस्ट 14 कोलैप्स जो है वो प्लान हो चुके हैं बट इफ यू नो सम यूट्यूबर एंड अगर आइडियाज हमारे मैच करते हैं और सब कुछ सही जाता है देन वी कैन ऑल्सो कोलैप, प्लीज टेल देम और नीचे कॉमेंट्स में भी बताना हु शुड आई कोलैप विद। 3, 2 एंड 1
और लास्ट में इस पोस्ट की बात कर लेते हैं। सो जब मैंने ये शिवम थिंग्स चैनल शुरू किया था ना, उससे कुछ दिन पहले मैंने अपने मेन चैनल पे एक पोस्ट डाला था और कुछ कैप्शन लिखी थी जो मोस्टली लोगों ने फिगर आउट कर ली थी। तो मेरे को था कि भाई इस बार कुछ बड़ा करना है ना, तो हिंट्स ऐसे दो कि लोगों को पता ही ना चले। सो आई अपलोडेड दिस पिक्चर एंड सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब टेलर स्विफ्ट से कोचिंग ली है। तो इस पिक्चर में टाइम 5:15 हो रहा है, विच वॉज द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स आई हैड व्हेन आई पोस्टेड दिस वीडियो। इसमें स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू लिखा है, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, बट ऑल्सो ये सब इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। बैकग्राउंड वही बैकग्राउंड है जो अब फाइनली हमने लगा लिया है। और जो बहुत बेवकूफ वाली चीज लगी मुझे, इसमें जो टाइम है ना गाने का, दैट इज 3-2, दैट मीन्स 3rd of February। सो दैट वॉज द डेट वेन आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो एंड आई एम क्रेजी। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल्सो अगर आपने मेरा मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो प्लीज डू दैट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। और हाँ यार, इस चैनल के भी 100K करा दो यार जल्दी से। बाय बाय।